नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे आप वास्तु शास्त्र से घर के लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप उस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है शुभ और करण है तैतिल। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सामान्यतः आपका स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय बनेगा और स्थायित्व रहेगा। आपको स्थायित्व की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में होने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आज की दिनचर्या में आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, जो आपकी मेहनत का ही प्रतिफल होगा। आज किसी बात पर आपको काफी अधिक क्रोध आ सकता है, अपने गुस्से को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद आज आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि को करने से मन में शांति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इसी अवधि में आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं में भी कमी आने के संयोग बन रहे हैं। यानी आपकी अपनी व्यवहारिकता में भी कमी आए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना है, आप अपने व्यवहार को भी थोड़ा सा अच्छा बनाइए, व्यवहार कुशल बनिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश से इस समय में बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में धन के अर्थात पैसे के महत्व को समझना चाहिए और फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए। आपकी जो आदत है, बहुत ज्यादा आप खर्च करते हैं, उससे आपको बचना है। अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख करके चलें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च अधिकारी सहयोग देंगे, धन लाभ होगा और उसके साथ साथ संतान सुख प्राप्त हो, ऐसे भी लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए तनाव बढ़ सकता है, साथ ही साथ मानसिक कष्ट भी होगा, चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का डर आपके लिए बन रहा है, दांपत्य सुख कम रहेगा, ऐसी भी स्थिति आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर में अपने आसपास धातु का जंग लगा हुआ धारदार कोई सामान या हथियार ना आप रखें, ना उसको प्रयोग में लें, इससे कुछ दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और चलिए यहाँ वक्त हो गया है कॉलर लेने का और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेश जोधपुर से। जी नरेश बताएं क्या सवाल है आपका। मैं डेट ऑफ बर्थ 5/4/1971 जी, और डेट टाइम है 4 की रात को 12:07 जी, और अजमेर राजस्थान। कारोबार के बारे में पूछ रहा था, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, परिस्थितियां आपके पक्ष में है, आपके लिए आवश्यकता है आपको उचित मार्गदर्शन की। कुंडली के हिसाब से इतनी भी कोई खराब स्थिति नहीं दिखाई देती है, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप आज से ही भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आरंभ कर दें। बुध और शुक्र का जो संयोग है ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, और बुधवार का यदि आप व्रत कर सकते हो तो आपके लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा। बुधवार का व्रत या फिर शुक्रवार का, इन दोनों में से किसी भी एक तिथि का व्रत आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाना या कहीं गौशाला में गाय के भोजन की व्यवस्था करा देना आपके लिए बहुत अच्छा फायदा लेकर के आएगा। पहली दर्शक मधु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी मधु बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्ते, हमें ये कहना है मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका जन्म 9 मई 1997 में हुआ था इटावा शहर में जी। जाना था कि उसकी सरकारी नौकरी उसके नसीब में है कि नहीं है। जी बिल्कुल, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय है सुबह के 7:30 और स्थान है इटावा जी। देखिए आपके भाई साहब के लिए अभी तो ये संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अभी इनको ऐसा लगता है कि 20 मार्च 2016 के पहले कहीं कोई सफलता ना प्राप्त हो पाए, क्योंकि राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा है और ये राहु केतु का जो संयोग है ये इसके लिए बहुत ही खराब संयोग बन रहा है। राहु पंचम भाव में है जिसके कारण से इनकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं विघ्न व्यवधान बाधा आई होगी, शिक्षा पूरी नहीं हो पाई होगी, और उसके साथ साथ केतु की स्थिति 11वें भाव में शनि के साथ, तो ऐसे में इनकी गलत संगत हो जाना, गलत रास्ते में चले जाना, इन सारी चीजों की संभावना ज्यादा रहती है। सबसे पहला काम आपको अपने परिवार से बात करके करना ये चाहिए कि राहु केतु और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। राहु केतु की ही दशा चल रही है, जाप होने के साथ ही इस व्यक्ति को तत्काल लाभ मिल जाएगा, और उसके साथ ये जातक स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा सेवा आराधना करें, फायदा मिलेगा। और सुनील देहरादून से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील बताएं क्या सवाल है आपका। जी सर, मेरी उम्र पन्नी की 5 फरवरी जी 1975 जी, और रात का समय सॉरी दोपहर का समय 2:30 जी। तो मेरे को पन्नी जी जानना था कि मतलब मेरा अभी कई लगभग 8 साल हो गए मेरे को सरकारी जॉब में, सरकारी तो नहीं है वहाँ पे लेकिन मैं टेम्परेरी हूँ वहाँ पे जी। आप मुझे अपना जन्म स्थान बता दें। जी जन्म स्थान देहरादून सर, उत्तराखंड जी। जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे इसमें सरकारी जॉब है भी या नहीं, या मैं समझ ऐसे ही टाइम पास हुआ है मेरा वहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा आपके लिए चल रही है, और आपने बताया कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में क्षमा करें आप सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें परमानेंट नहीं हो पाए हैं, अभी भी आप टेम्परेरी बेसिस पर ही काम कर रहे हैं। आपकी कुंडली से ये संयोग बनता है कि सरकारी नौकरी आपको मिले, और आपको निराश होकर के हताश होकर के ये जॉब छोड़नी नहीं चाहिए, इसमें आप परमानेंट हो सकते हैं, इसके संयोग आपके लिए बहुत ज्यादा बन रहे हैं। शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा है और ये शुक्र और बुध हर लिहाज से आपके लिए आपके पक्ष में ही बन रहे हैं, और इस दौरान अगर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो मैं समझता हूं कि परिणाम आपके समक्ष बहुत अच्छे आ सकते हैं। दशरथ भीलवाड़ा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दशरथ बताएं क्या सवाल है आपका। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी बताइए। देवेंद्र नाम है उसका जी, और 1 जून 1997 का जन्म है, रात्रि 1 जून रात्रि को 3:40 का जी।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसके भाग्य में नौकरी का योग है या नहीं है। जी बिल्कुल, आप जन्म का स्थान बता दे। खिलोड़ा में है, मतलब पास में छोटा सा गांव है हमारे। ठीक है, देखिए जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और आपने पूछा कि इसके लिए नौकरी के योग है कि नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जातक नौकरी करेगा तो ज्यादा सफल रहेगा बजाय अपना व्यापार करे। अपने व्यापार के लिए स्थिति इस जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं बनती है। अपना व्यापार करेंगे तो संघर्ष भी रहेगा और आर्थिक निवेश ये जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो अपना पैसा करें, परिवार का पैसा करें या फिर मार्केट से कर्ज लेके लोगों से पैसा उधार लेकर के अगर ये निवेश भी करके अपना व्यापार करते हैं, उसमें भी इनको सफलता नहीं मिलेगी। पैसे के हानि की, पैसे डूबने की संभावना ज्यादा रहेगी। इनकी कुंडली को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर्स में इनके लिए नौकरी के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। इनको अभी प्रयास करना चाहिए और इनकी कुंडली के लिहाज से भगवान गणेश की पूजा आराधना इनके लिए वर्तमान समय में सर्वोत्तम कही जाएगी। मीनाक्षी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी मीनाक्षी बताएं, क्या सवाल है आपका? आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1990, 5:15 शाम के। जी रुड़की का जन्म था। जी जी पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, बैंकिंग सेक्टर की और इंश्योरेंस सेक्टर की, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, वेतन क्लेम नहीं होता है, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो कृपया करके मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए कि नौकरी है भी कि नहीं। और दूसरा कि मेरे 10वें स्थान में मुझे लगता है कि शायद अंगारा दोष या आदमी दोष है, तो इस दोष के बारे में कुछ बताइए कि वाकई है या जस्ट ऐसी है। देखिए, आपने जो जन्म पत्रिका बताई है 6 अप्रैल 1990 शाम 5:15 स्थान रुड़की, इसमें दशम भाव में ऐसा कहीं कोई अंगारक योग नहीं बन रहा है। अगर आपकी ऐसी जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, अंगारक योग बनता है शनि मंगल के योग से। आपकी कुंडली में मंगल राहु का संयोग बन रहा है और क्षमा करें, मंगल राहु शनि का जो संयोग बन रहा है वो पंचम भाव में बन रहा है, ना कि दशम भाव में बन रहा है। तो अगर आप ऐसी जानकारी रख रहे हैं कि दशम भाव में है और आप उसका निदान कर रहे हैं तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। ये योग बन रहा है लेकिन पंचम भाव में है। और जहां तक आपने अपने बैंकिंग सेक्टर की बात कही, आप बैंकिंग में और फाइनेंस में ट्राई कर रहे हैं, तो बैंकिंग और फाइनेंस के लिए आपकी कुंडली बहुत अच्छा संयोग बनाती है, लेकिन सिर्फ मंगल के पीड़ित हो जाने के साथ ये योग जो है सरकारी नौकरी में क्षीण हो जाता है। लेकिन अभी भी महादशा सूर्य की है और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में जो है वह सप्तम स्थान में है, तो इसको देख करके कहा जा सकता है कि सूर्य से आपके लिए कहीं ना कहीं चांस बन सकता है, लेकिन उसमें विघ्न आएगा क्योंकि मंगल की तरफ से सहयोग नहीं है, आपको एक ग्रह की तरफ से सहयोग मिल रहा है सरकारी नौकरी के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा होगी। और सूर्य के लिए जो ग्रह शुभ है उसके लिए हमें उपाय कुछ ज्यादा करने पड़ेंगे, तो आपको करना ये चाहिए। और सूर्य की दशा चल रही है, इससे अच्छा कुछ संयोग आपके लिए नहीं हो सकता। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि आप सूर्य देव को जल दें और गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करना आपके लिए बहुत अच्छी सफलता लेकर के आ सकता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप नियम से गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके आर्थिक पक्ष से स्थिति मध्यम आपको नजर आ सकती है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी। आपको अत्यधिक मेहनत और संघर्ष की स्थिति से आज गुजरना पड़ सकता है, तो आज अपनी मेहनत में परिश्रम में आप कमी बिल्कुल भी ना करें। आज की तिथि में सफलता पाने के लिए आपको भगवान भैरव की पूजा आराधना करना सर्वोत्तम होगा। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आज आप ले सकते हैं। मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए समय निकाल पाने के आज आपके लिए योग कम बन रहे हैं। कार्यभार का दबाव और कार्य की व्यस्तता बहुत ज्यादा रहने वाली है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का या मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त हो, ऐसे लक्षण भी आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है।
धनुराशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको समय की कीमत को पहचानना होगा, अपने सामाजिक जीवन को आज आपको और बढ़ाना होगा, अपने सामाजिक परिचय क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो उसका आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में कमी किसी भी प्रकार से मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन में अल्प समय के लिए अनियमितता आ सकती है। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बन रहे हैं। अचानक से कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, कभी विचार भी ना किया, और वो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, और किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मित्रों या परिजनों का साथ बहुत अच्छा मिल सकता है। आपको उनके साथ कोई एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आज की तिथि में आपको स्वयं को नहीं उलझाना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। भाई या पड़ोसी से वाद विवाद हो सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और लाभप्रद आपके लिए आज बन सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए छोटे छोटे बदलाव भी आपके घर में आने वाली गंभीर बीमारियों और रोगों को दूर भगा सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो इन छोटे छोटे उपायों और सुझावों को अपना करके, आत्मसात करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा आपके यहाँ भी हो रहा है कि घर के लोग आपके हमेशा बीमार ही रहते हैं? क्या आपकी आधी कमाई डॉक्टरों और दवाइयों में चली जाती है? घर में बीमार लोगों को हमेशा पूर्व दिशा की ओर शयन कक्ष बना करके या पूर्व दिशा की ओर उनके शयन की व्यवस्था करके आपको वहां पर उनको सुलाना चाहिए। अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में कोई बेडरूम बना हुआ है तो सबसे बेहतर होगा कि अगर कोई आपके घर में रोगी व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो आप उनको उधर सोने की व्यवस्था कराएं, और उनके सिर की स्थिति जो है दक्षिण की तरफ करके अगर आप उनको शयन की व्यवस्था करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका कारण यह है कि पूर्व दिशा के शयन कक्ष में पूर्व दिशा से प्रातःकाल आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं, प्रातःकाल की जो रश्मियां होती हैं, वह स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। सोते समय हमेशा जातक का सिर या तो फिर दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण की ओर अगर व्यवस्था ना बन पा रही हो तो ऐसे में फिर पूर्व की ओर भी सिर किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व दिशा से स्वास्थ्य को जोड़ करके देखा जाता है। बीमार लोगों को दवाइयां खाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही दवाइयों का या फिर आपकी जो कुछ भी आप अपने लिए पुष्टाहार ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही ग्रहण करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी औषधियां हैं, दवाइयां हैं, वह पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के कोने में रखी जाए, तो उस पर भी दैवीय कृपा के बाद जब कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करता है तो लाभ मिलता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बीमारियों की प्रमुख वजहें क्या क्या हो सकती हैं, किसी भी परिवार में क्या कारण हो सकते हैं। दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर ना लगाएं, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर होने के कारण स्वास्थ्य हमेशा जातक का परेशान रहेगा, खराब रहेगा। सनातन धर्म में अंतिम समय में मृतक को दरवाजे के पास सुलाते हैं जिससे आत्मा को वापस जाने में कोई रुकावट ना हो, ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस कारण से भी दरवाजे के पास या दरवाजे के ठीक सामने नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण और पश्चिम के कोने में अगर कोई बोरवेल है, कुआं है,
सेप्टिक टैंक है, तो ये आपके घर में बीमारी की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और बीमारी के साथ साथ हम लोगों ने अक्सर इस विषय पर चर्चा की है, बहुत विस्तार से चर्चा की है। दक्षिण पश्चिम में कोई भी किसी भी प्रकार का गड्ढा होगा तो वो असफलता का, निराशा का, बीमारी का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे बड़ा कारण होगा। तीसरी बात यह कि आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको दक्षिण पूर्व का कोना बोलते हैं, अगर उस स्थान में भी कोई बोरिंग होगी, सेप्टिक टैंक होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी का कारण होगा। क्योंकि आग्नेय कोण जो होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, ये पूरी तरीके से ऊर्जा का क्षेत्र होता है, अग्नि का स्थान, इसीलिए इसको आग्नेय कोण कहा जाता है। ये अग्नि का स्थान है, अगर वहां जल क्षेत्र होगा तो निश्चित ही अग्नि और जल में विरोधाभास होने के कारण, परस्पर जो है विरोध होने के कारण, जातक को, परिजनों को, घर में रहने वाले लोगों को बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा चौथी बात यह कि ईशान कोण में, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई टॉयलेट बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में किचन बना हुआ है, सेप्टिक टैंक है या सीढ़ियां बनी हुई है, तो ये आपकी बीमारी का कारण बनती है। अब उसके पीछे कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण जो है, इसे भगवान शिव का, भगवान महादेव का मस्तक कहते हैं या वास्तु पुरुष का मस्तक कह सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या धर्म की दृष्टि से देखें तो ये भगवान बृहस्पति का स्थान होता है। इस स्थान को सबसे ज्यादा साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। अगर वहां टॉयलेट होगा, वहां किसी भी प्रकार की गंदगी होगी, या वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हल्का होना चाहिए। अगर वहां भार होगा, सीढ़ियां बनी होंगी, कुछ इस तरीके का निर्माण होगा, तो निश्चित ही परिवार में असफलता के साथ साथ रोग की स्थिति भी बहुत ज्यादा होगी। पांचवी बात यह कि घर के पूर्व दिशा में अगर सीढ़ी बनी हुई है, किचन है, शौचालय है, सेप्टिक टैंक इत्यादि है, तो वो भी बीमारियों का बड़ा कारण हो सकता है। दक्षिण दिशा में सर करके सोने से आयु की वृद्धि होती है, इसलिए अंतिम समय की अवस्था में मरीज जब अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, तो ऐसे में दक्षिण सिर करके सुलाना तो बहुत अपरिहार्य होता है, इमरजेंसी की स्थिति होती है, आपको ऐसे रखना ही चाहिए। अपनी दैनिक दिनचर्या में भी आपको प्रयास करना चाहिए कि दक्षिण दिशा में ही आप सिर रख करके सोएं, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी मरीज को पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में करके सिर रख करके ही सुलाना चाहिए। तो अगर आप, आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ में आप अपने वास्तु को फॉलो करते हैं, वास्तु का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े तोड़फोड़ करें, जिस तरीके से आप योग का प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं, कोई व्यक्ति एक दिन योग करके, कि आप सोचिए कि आपने सिर्फ 21 जून को एक दिन योग कर लिया और आप स्वस्थ हो जाएंगे आजीवन, ऐसा नहीं होता। योग एक ऐसी क्रिया है जो आपको नियमित जीवन में प्रैक्टिस करनी होती है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना होता है। वास्तु शास्त्र भी ठीक वैसे ही है, जब आप भोजन कर रहे हो तो आपका मुख जो है उत्तर पूर्व दिशा में हो, जब आप शयन कर रहे हो तो आपका सिर जो है दक्षिण या पूर्व की दिशा में हो। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें बड़े बदलाव के बिना भी आप जीवन में प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी और सफल हो सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद।